जम्मू कश्मीर के किसानों ने आईपीएल कंपनी पर लगाया आरोप। फल एसोसिएशन सोफिया के साथ ट्रेड एसोसिएशन सोफिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आईपीएल कंपनी ने 700 रुपए प्रति बोरे के अंतर से 1200 से लेकर 1900 तक की दरों पर डीएपी उर्वरक बेचकर किसानों को लूटा है। कंपनी ने सरकारी दरों का खुलेआम उल्लंघन किया है। इस पर सरकार ने व्यापक दिन रात में इन खुली लूट को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता ने भी इस मुद्दे पर अपने गुस्से का इजहार किया और मंसूर मागरे ने कहा कि आईपीएल कंपनी थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को काम पर लेना चाहिए और लुटेरों को सार्वजनिक डोमेन में लाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसानों के साथ इस तरह की खुलेआम लूट ना कर सके। इसी बीच किसानों ने सरकार से एक समिति गठित करने का और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से उर्वरक बोरियों के अतिरिक्त भुगतान के लिए धन को वापसी करने की अपील की। पूरी खबर देखें विस्तार से एवरी न्यूज के लिए संवाददाता की रिपोर्ट। तो उसके लिए हम मरकजी सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रेट जो है फिर कम किए हैं, सब्सिडी को बढ़ाया गया है। मगर हमारा एक मसला है यहाँ पे कि कुछ लोगों ने खाद को महंगे रेटों पर भेजा है, तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे तो आईपीएल खासकर जो खाद है उसको उसी रेट पर जो बताई हो गई थी रेट, उसी रेट पर ग्रोवर्स को मिलनी चाहिए थी, बट उन्होंने वो खाद खरीदी है। तो हम एलजी इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि उन ग्रोवर्स को जो ज़्यादा पैसा उनसे दिया गया है वो वापस किया जाए ताकि जो हमारे ग्रोवर्स हैं वो कुछ राहत महसूस करें। तो यहाँ पर हम इसलिए आज जमा हो गए थे ताकि जो हम ये बात है आला हुकाम तक पहुँचाएँ। अगर गवर्नर इंतज़ामिया जो है इसको जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनके तहवील में देंगे ताकि वो देखेंगे कि किस ग्रोवर ने कितनी खाद खरीदी है महंगे रेटों पर, तो उनको वो पैसा वापस किया जाए ताकि वो खाद की जो सेल यहाँ पे महंगे दामों में हुई है, जो गवर्नमेंट आर्डर्स के अगेंस्ट है, जो 1200 रुपए की रेट तय हुई है 1700-1900 रुपए में बेची गई है खाद, वो क्योंकि ट्रेडर्स फेडरेशन का भी यही है कि हम दुकानदार होने के साथ साथ ग्रोवर भी हैं, तो जो ग्रोवरों से पैसा ज़्यादा लिया गया है वो जाती है उनके साथ, जैसे बाकी कंपनियों ने गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बेचा है, तो अगर कोई एक कंपनी आईपीएल ने किया है तो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर जो है सख्त कदम ले, कार्रवाई करे। वालों ने जो खाद भेजी है उसकी जो रेट थी तो उससे ज़्यादा महंगे दामों फ्रूट ग्रोवर उसको भेजा गया जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है और वो रेट जो उन्होंने मुकर्रर किए वो एप्लीकेबल नहीं है। तरीके से मतलब फ्रूट ग्रोवर से पैसे बटोरे हैं जबकि 1200 के बजाय 1700-1900 रुपया भेजा गया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो उन्होंने पैसा लिया है उनसे बाजाबता रिकवरी की जाए और मुस्तक अफराध जिनों को बटोरा गया उनको वापस किया जाए और ऐसे भाद्य अनासिर और मुनाफाखोरों को मतलब समाज में कोई जगह नहीं है, इनको ब्लैकलिस्ट।